थमा गणिसा, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग जिसमें मैं बताऊंगी आप सबको करवा चौथ की तैयारी, जिसमें इनका मैं सुबह से वेट कर रही थी जो मेरी अब मेहंदी लगाने के लिए आए हैं। और करवा वगैरह वो सब कुछ मैंने शालू भाई से शाम को ही मंगवा लिया था, मतलब मम्मी ने मंगवा लिया था सब कुछ। और अभी पता नहीं शालू भाई कहाँ घूम रहे हैं, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। और फाइनली आप आ गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरी तो घड़ी बंद पड़ी है, 8 बज चुकी है, तो कितने बजे तक कर दोगे कंप्लीट? 10 बजे तक, 2 घंटे में। चलो अच्छा है, और फाइनली चलो देखते हैं कैसी मेहंदी बनाते हैं। एंड प्लीज अच्छी बनाना ना, मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, इसलिए मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ उसको कि मैं कैसे इसको एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मैं इसको एक फेस्टिवल की जैसे ले रही हूँ कि हाँ मेरा फर्स्ट करवा। गाइस देखो, ननद होने का ये फायदा होता है कि फटाफट मैंने चीजें निकाल के रख दी, क्योंकि ये बंदी इतनी लेट हुई है जिसकी कोई हद नहीं। ये उठ तो भले 7 बजे जाती हैं, पर इनको रेडी होने में बड़ा टाइम लगता है। ये मैं अभी चिल्लाई ना इन पे तब जाके, ये तो नहाने घुसे हैं और बाहर है ना, और लेडीज ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। और ये तो मैं ये करके दे दिए, वरना तो अभी कौन निकाल के रखता है ये सब चीजें? आप, मैं आपको बोलती हूं। हाँ मैं दरवाजा पे एक छोटी सी ननद खड़ी थी, बाकू का पगा लगी थी, बोली की सील सपूती हो, सास पूत की माँ हो, मेरा भाई का सुख देख, सोना को टक्को नगनत न देकर पल्ला के घाट बांध ली। भीतर गई तो सासू पीड़ो पोनी खाली, बोली की ऊपर मरेड़ो पड़ियो है, बैठे जाकर बैठ जा। ऊपर गई देखा तो धड़ी मरियो पड़ियो है, उकन बैठ गई और उन्हें सेवन लाग गई। बेकी सासू रोजी ना बची कुसी रोटी दासी ना देकर भेज देती, कहती मरियो सेवड़ी ने रोटी दी। थोड़ा दिन बाद बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपके दादे भाभी साहब के दादे सासू कौन है, तो भाभू के दादे सासू ये है। गजब बेइज्जती है।
सबके साथ होना चाहिए। मेरे को वी वी शेप वाले नहीं आते, और ये मेरी निशानी। सब पूछते हैं दो दो बिंदी क्यों लगाते हो। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से, और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से, और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। इयररिंग्स ये वाले पहनू या ये वाले? ये रखड़ी बांध दो इधर आके। देखा देखा, अरे रखड़ी बांध दो ना इधर आके, बाल टूट जाएंगे। देखो देखो नाटक, देखो देखो। दो दो नंदों के होने का फायदा ये औरत पूरा उठाती है। उठाना चाहिए ना, नंद होती है भाभियों के। इट्स माय फाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको ये मेरा लुक? और एक मेरा डांस का वीडियो आ चुका है, तो उसको जाके शटक शटक वो तो आ चुका होगा पहले ही। और ये मैंने सुबह मॉर्निंग में भी पहनी थी, तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि जल्दी जल्दी इतना मेकअप किया ना, मेकअप तो कुछ नहीं किया था, बस कंसीलर वंसीलर लगाया था और फाइनली मेरा मेकअप। चलो पूजा के लिए लेट हो रही है, चलो मम्मी चिल्लाएगी वरना। चलो 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 चलो। कितना अच्छा लग गया आपका, कितनी जल्दी चांद उग गया। कोई बात नहीं, पर लगा बहुत अच्छा, आपने दिल से बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्टिक भी रह गया, मुझे तो लगा था चॉप से करवा देगा ये। अच्छा, अब चलो चलते ऊपर। चांद आया, चांद नजर आया, देखो चांद नजर जो आया। हाँ कर्चा देखना।
वो पता नहीं किसका चांद देखने के लिए ऊपर आ रही थी हमारे साथ में, चिपकती है मेरे चांद नजर आया अवॉर्ड माई वॉइस। चलो चलो भैया के पैर वैर छुओ, चलो चलो यही मोमेंट का वेट था हमें। ये मेरे पैर छुएंगे। अरे तो आओ ना यार। हाँ तो लो ना यार। अब वहां से कर लो। खुश रहो 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 खुश रहो। चले हो रहा है ये, सबका अलग अलग रीत होती है, वैसे यहाँ पे भी एक अलग अलग रीत से बनाया जा रहा है जिसमें भाभी से हेल्प कर रहे हैं उनकी। ये हमारे बाजू वाले आंटी हैं, उनने पूजा करी है, इनका थोड़ा अलग ही तरीका है इस चीज़ को पूजा करने की, सबके अलग अलग तरीके होते हैं पूजा करने के। फाइनली मेरा करवा चौथ कंप्लीट हो चुका है, अब मैं खाऊंगी खाना। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरा लुक कैसा लगा, थोड़ा बहुत मेकअप किया है, थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा मेकअप है ये। मम्मा तो बोल रहे थे तू बिना मेकअप के ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ वैसे मैं सिंपल लुक ज़्यादा बेटर लगता है मुझे, और मेरा मेहंदी का कलर भी बहुत सुंदर आया है, बट मुझे अभी तक गिफ्ट नहीं मिला, पता नहीं वो ऐसा बोल रहे हैं कि एक दो तीन तीन चीज़ें एक साथ आ रही हैं उनके पास में। मेरा बर्थडे भी आ गया, करवा चौथ भी आ गया, एनिवर्सरी भी आने वाली है हमारी, तो इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं कि तीन तीन गिफ्ट, एक गिफ्ट मांग लो कब नहीं चाहिए, बट मुझे तीनों चाहिए उनको, उससे मैं गिफ्ट लेके रहूँगी और उसका भी मैं ब्लॉग डालूंगी कि मैंने इनसे क्या गिफ्ट लिया है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच हमें इतना लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए।